उदाहरण पांच, तीन वर्गमूल दो ऋण दो वर्गमूल तीन को तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच में से घटाओ। हमें तीन वर्गमूल दो ऋण दो वर्गमूल तीन को तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच में से घटाना है। इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच को एक कोष्टक में लिखेंगे और इसे हमें घटाना है, तो घटाने के लिए ऋण चिन्ह और फिर तीन वर्गमूल दो ऋण दो वर्गमूल तीन को हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। चूंकि हमें तीन वर्गमूल दो ऋण दो वर्गमूल तीन को तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच में से घटाना है, इसीलिए सबसे पहले हम तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच को पहले कोष्टक में लिखेंगे। चूंकि हमें इसे घटाना है तो ऋण घटाने के लिए लगाएंगे और फिर दूसरे कोष्टक में तीन वर्गमूल दो ऋण दो वर्गमूल तीन लिखेंगे। अब कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो बराबर तीन वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच कोष्टक खुलेगा तो ये धनात्मक जो है यहाँ पे तीन वर्गमूल दो ऋण गुणित धन ऋण तीन वर्गमूल दो और फिर ऋण एक को फिर ऋण दो से गुणा करेंगे तो ऋण एक गुणित ऋण दो बराबर धन दो वर्गमूल तीन। अब यहाँ पे तीन वर्गमूल तीन और धन दो वर्गमूल तीन का योग हो सकता है, इसके लिए हम तीन वर्गमूल तीन धन दो वर्गमूल तीन को एक साथ लिखेंगे। फिर दूसरा पद दो वर्गमूल पांच ऋण तीन वर्गमूल दो बराबर यहाँ पे हम पहला पद तीन वर्गमूल तीन धन दूसरा पद दो वर्गमूल तीन में वर्गमूल तीन जो है इसको हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ होगा तो तीन धन दो वर्गमूल तीन ये उभयनिष्ठ निकला, ऋण दो वर्गमूल पांच ऋण तीन वर्गमूल दो। अब तीन और दो का योग पांच होता है तो पांच वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच ऋण तीन वर्गमूल दो। अब वर्गमूल तीन इधर वर्गमूल पांच और वर्गमूल दो इसमें कोई भी योग होना संभव नहीं है, तब हमारा उत्तर आया पांच वर्गमूल तीन ऋण दो वर्गमूल पांच ऋण तीन वर्गमूल दो। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।